नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एसपी पेट्रोल पंप NH2 हाईवे मक्खनपुर पर एटीएम चोरी कर रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को पब्लिक ने पकड़कर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इनके कब्जे से 40 से 50 के बीच एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। शातिर चोर ग्राम सभा साधुपुर का रहने वाला है और अभी तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के NH2 पर स्थित SP फिलिंग स्टेशन से ATM कार्ड से स्वेप मशीन से 25,000 रुपए निकाल लिए। इसकी शिकायत पर पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर शिकंजा कसा तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने दो व्यक्तियों पर रुपए इस बहाने निकाले कि गाड़ी खराब हो गई, ट्रक चालक है, और कर्मचारियों ने आश्वासन दिया पुलिस को वो आरोपियों को पकड़वाने का कार्य करेंगे। कल दोनों आरोपी दोबारा आए तो कर्मचारियों ने दोनों को पेड़ से बांधकर पीटा और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों को थाना सिरसागंज पुलिस साथ ले गई है। पुलिस सख्ती से इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्या करते थे ये भाई? ATM पैसे लगा लिए थे। अच्छा, कितने लोगों के निकाल चुके अभी तक? लगा चुका हूँ 4-5 लोगों का। अच्छा, कितने लूटे इस वक्त? ATM कहाँ से लाते थे तुम? पहले के इकट्ठे थे, मतलब दिल्ली में लड़के करते थे, उनके साथ में था, वहाँ से मैं आ गया। मेरी मम्मी कहते हैं कहाँ के रहने वाले हो अभी? साधुपुर। साधुपुर। मेरा नाम संजय। संजय पिताजी का नाम? मोहर सिंह जी। सर, कल थाना मक्खनपुर के SP पेट्रोल पंप से यह सूचना मिली कि उन्होंने दो ATM चोर पकड़ रखा है और उसको तत्काल पुलिस ले जाए। इस सूचना पे पुलिस वहां पे पहुंच के उन दोनों ATM चोरों को ले आई तो उनसे काफी बड़े मामले खुलासा हुआ। उनके पास 40 ATM कार्ड उनके कब्जे से मिले। कई ATM चोरी की घटनाएं और ATM से दूसरे के ATM से पैसा निकालने की घटनाओं को उन्होंने कबूल किया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा गिरोह है, काफी दिनों से ये इस तरह से ATM चोरी कर रहे थे। ये जो पेट्रोल पंप वाली सूचना मिली थी, पहले पुलिस वालों ने ही बता रखा था, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक भूपेन नाम से के व्यक्ति का ATM बदल दिया था और उसी ATM से इन्होंने SP पेट्रोल पंप से जो इनका POS मशीन स्वाइप मशीन होती है उससे पैसा निकाल लिया था। भूपेंद्र ने पुलिस को सूचना दी थी तो पुलिस ने पेट्रोल पंप वाले से पूछा था कि अगर ये दोबारा आए तो इसको बैठा लेना। और ये फिर नेक्स्ट डे जब वहां गया पेट्रोल पंप पे फिर पैसा निकालने के लिए तो उसी सूचना पे पेट्रोल पंप स्वामी ने इसके साथ मारपीट करके इसको बैठा लिया था। ये एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है और इस पे मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जा रही है।